गाइस हाउ आर यू, वेलकम बैक, दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन विद फ्रैक्शंस, यानी कि बोर्ड मास फ्रैक्शंस के साथ नेक्स्ट वीडियो। और इसके भी बाद आपको इसके नेक्स्ट सीरीज भी मिलती रहेंगी, जहां पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस फ्रैक्शंस में सॉल्व करेंगे जहां पे आप ट्रिक यूज करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पे ट्रिक यूज नहीं होती है, आपको प्रोसेस सॉल्व करना पड़ता है पर्टिकुलर प्रोसेस से वी बोर्ड मास को फॉलो करते हुए। और क्या है वी बोर्ड मास, मैं पहले भी अपनी वी बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन का वीडियो दे चुका हूं इससे पहले, विद होल नंबर्स एंड विद इंटीजर्स, तो आप वो वाली वीडियोस भी पहले देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वी बोर्ड मास। वी फॉर विन कलम, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिविजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो विन कलम क्या है, बोर्ड मास इससे पहले आपने पढ़ाई होगा, इसमें वी और ऐड हो गया है। विन कलम मतलब ये जो आप बार यहां पे देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये बार मैं आपको यहां बनाता हूं, दिस इज विन कलम, राइट। तो सबसे पहले हमें इस विन कलम को सोल्व करना होता है, दिस इज विन कलम, यानी ये दोनों टर्म्स जो आ रही है 1/2 - 1/3 विन कलम के अंडर में आ रही है, तो सबसे पहले यहां ऑपरेशन लगेगा, इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा हो गई, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम फर्दर वन बाय वन स्टेप टू स्टेप सोल्व करते रहेंगे। देखिएगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जाते हैं तो देखिए यहां डिवीजन और माइनस है, तो डिवीजन पहले होता है, डिवीजन पहले सब्ट्रैक्शन बाद में, राइट। लेकिन यहां विन कलम लगा हुआ है तो ये वाली दोनों टर्म पहले सोल्व होगी, क्लियर। चलिए सोल्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं, 11/2 + 3/4 डिवाइडेड बाय, और एलसीएम ले लीजिए 2 और 3, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6, राइट। देन 6 डिवाइड बाय 2, 6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 3, सो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 = 3 ओनली, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करो, अब 6 को डिवाइड किया 3 से, 2 आएगा, so you will multiply 1/2, clear। ये विन कलम आपका सोल्व हो गया, ठीक है। अब विन कलम को आप हटा सकते हैं, अब देखिए 3 - 2 = 1 हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बनेगा, 11/2 + हाँ ब्रैकेट चेंज कर देता हूं मैं, देखिएगा यहां आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और राउंड ब्रैकेट लगाना है, राउंड ब्रैकेट के बाहर आपको करली ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। सो देखिए यहां राउंड करली नहीं है, यहां पर राउंड ब्रैकेट है, 3/4 डिवाइडेड बाय 1/6 आपके पास आ गया, ठीक है। 3 - 2/6 1/6 हो गया। अब डिवीजन को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, डिवीजन को सोल्व करते हैं, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और उसके बाद का जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा 11/2 + 3/4 × 1/6 बन जाएगा दोस्तों 6/1, और यहां पे ये कैंसिल हो रहा है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो आपके पास यहां बनेगा 3 × 3 = 9 बाय 2 × 1, क्रॉस में सिर्फ एक ही वैल्यू कैंसिल हो रही है और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। यहां पे 3 को 3 से कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज दे बोथ आर इन द न्यूमिरेटर, ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए अब होगा 11/2 + 3 × 3 = 9 / 2 × 1 = 2 + 9/2 + 9/2। अब आप यहां पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एडिशन साइन है, यहां पे एलसीएम की जरूरत क्यों नहीं है, बिकॉज बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिरेटर्स को डायरेक्ट प्लस कर दीजिए, 11 + 9 क्या होगा 20, और न्यूमिरेटर जब सेम होता है तो ओनली न्यूमिरेटर को एक बार लिखना है, न्यूमिरेटर्स को प्लस नहीं करना है, ठीक है, ओनली डिनोमिनेटर को प्लस करना है। सो 2 × 2 = 10, तो आंसर आपका रहेगा बच्चों 10, 10 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के ये मैंने फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन लिया है वी बोर्ड मास के साथ, अभी आगे बढ़ते रहेंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज विन कलम सॉल्व हुआ हमारा, और अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग आंसर 10, सो सी इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, सी क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ क्या है, देखिएगा आपके पास एक्सप्रेशन अबाउट बिलो द एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऊपर भी आपको एक न्यूमिरेटर में एक पूरा एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी एक पूरा एक्सप्रेशन है, यानी आपको इसको अलग से सोल्व करना है, इसको अलग से सोल्व करना है, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को ये वाला पूरा एक्सप्रेशन डिवाइड कर रहा है, जैसे एक बहुत बड़े एक्सप्रेशन को एक दूसरा एक्सप्रेशन डिवाइड कर रहा है। तो देखिएगा दोस्तों इसको ईजी करने के लिए आप क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि लेट ए बाय बी, क्लियर। अब हमने एक इसको माना, इसको हमने
ए मान लिया, ये पूरे एक्सप्रेशन को आपने क्या मान लिया ए, और ये पूरे एक्सप्रेशन को आपने क्या मान लिया बी मान लिया, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि स्टेप जरा वो हुचपोच नहीं होंगे, आपको इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। क्लियर, देखिएगा आप ए बाई बी मान लेते हैं, यानी कि ए का वैल्यू ये हो गया, बी का वैल्यू ये हो गया। अब आप यहां क्या करेंगे, पहले इस वाले एक्सप्रेशन को सोल्व करिए, जो वैल्यू आएगा वो आपका ए का वैल्यू होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ए इज इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 इनटू 1/4, ठीक है। अब पहले डिवीजन सॉल्व होता है, मल्टीप्लीकेशन बाद में होगा। वी बोर्ड मास को आप देख सकते हैं, पहले डिवीजन सॉल्व होगा फिर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा। तो डिवीजन कैसे सॉल्व होता है, डिवीजन सॉल्व होता है डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, क्लियर। और फ्रैक्शन क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, और ये सॉल्व हो गया आपका। इसको चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, ये मल्टीप्लाई के बाद 1/4 तो एज इट इज है, मैंने इस डिवीजन को चेंज किया है, तो ये वाला 1/4 4/1 हो जाएगा, क्लियर। अब यहां पे क्रॉस में 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, यहां बचेगा मेरे पास 1/1 और यहां ओनली 1/4, तो इसका आंसर आ गया ओनली, यह लिख देता हूं मैं, ए इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 1/4, क्लियर। ए का वैल्यू क्या रहा 1/4, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को जब मैंने सोल्व किया तो वैल्यू 1/4 आ रहा है। अब आपके पास ये वाला वैल्यू काम का है, ठीक है। अब देखिए पूरा बी सोल्व कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इनटू 1/4। अब यहां पे आपके पास एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा। वी बोर्ड मास क्या कहता है देख लीजिए, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन पहले, ए फॉर एडिशन बाद में। तो पहले मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 × 1 1, क्रॉस में कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, 4 × 4 16। यहां पे कैंसिल नहीं करना है बिकॉज दे बोथ आर इन डिनोमिनेटर, क्रॉस में कैंसिल होता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, राइट। सो एलसीएम कितना रहेगा आपके पास 16, 4 और 16 का आंसर होगा 16। 16 को 4 से डिवाइड करो, पहले डिनोमिनेटर से 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 जा 16 तो 1 × 4 रहेगा, 4 आया, प्लस 16 को 16 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 × 1 आपके पास 1 रहेगा, दैट इज आपके पास बी का वैल्यू क्या रहेगा 5/16, राइट। ये वैल्यू आपका आ गया बी का। अब ये दोनों वैल्यू ए बाय बी पुट कर दीजिए, 1/4 ऊपर, दिस इज 1/4 और दिस इज 5/16, ठीक है। अब जब भी ऐसे कभी हो, ध्यान से जरा आराम से सोल्व करना है, देखिए 1/4 बाय 5/16 है, ये बाय में है, तो नीचे वाला फ्रैक्शन जब ऊपर आएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। एक तरीके से ये चीज क्या लिखी हुई है, एक तरीके से अगर आप समझें तो ये चीज ये लिखा हुआ है 1/4 डिवाइडेड बाय 5/16, आप ये भी समझ सकते हैं, यानी इस वाली फ्रैक्शन को ये वाला फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है, तो आप ऐसे भी दिमाग में समझ सकते हैं। अब डिवीजन को आप कैसे सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ना आप 1/4 और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 5/16 बन जाएगा 16/5 और 4 बन जा 4 × 4 = 16, तो आंसर आ गया 4/5, क्लियर। ऐसे ही यहां पे क्या होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है आपको, फ्रैक्शन के डिवाइड में फ्रैक्शन, नीचे वाला फ्रैक्शन जब ऊपर आता है तो वो किस में आएगा, मल्टीप्लाई में लिख दो और रेसिप्रोकल कर दो 16/5, सिंपल, क्लियर। अब 4 × 1 = 4 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4 5 × 1 = 5, सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर, 4/5 आपका फाइनल आंसर हो गया। सो 4/5 देखो कहीं पे है ऑप्शन में, नहीं है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करके देख लेना एक बार, 3 वैसे भी नीचे 3 है तो नीचे 3 आ रहा है इसमें, तो क्योंकि 3 × 1 = 3 + 1 4/3 आने वाला है, ये तो है ना, डिनोमिनेटर 3 है, यहां डिनोमिनेटर मेरे पास 5 आ रहा है, तो यहां किसी का भी डिनोमिनेटर 5 नहीं है, इसीलिए मेरा आंसर होगा नन ऑफ दिस, 4/5, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जब भी मिले तो पूरे एक्सप्रेशन को एक साथ ओवरलोड गाड़ी को लेकर नहीं चलना है, ठीक है ना। इसको अलग वैल्यू को ए मान लो, कोई वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लो, इसको अलग मान लो, फिर 1/1 दोनों को अलग से सोल्व कर लो, और ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट है, दिस इज नॉट रफ कॉलम, दिस इज पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, कि आपको 1/4 ए का वैल्यू कैसे मिला, तो वो आपको शो करना होगा, क्लियर, इन योर पेपर पेन टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नंबर 3 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन है आपके पास, 1/2 ऑफ 2/3 माइनस 1/4, यानी कि एक्सप्रेशन बिलो द एक्सप्रेशन, एक पूरा एक्सप्रेशन ऊपर आपके पास है और नीचे भी एक एक्सप्रेशन है। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपने करेक्ट किया है, वैसे ही आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे। देखिएगा मैं एक बात और आपको यहां समझाना चाहूंगा कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिक काम आती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आपको ट्रिक काम आएगी। ट्रिक वाले क्वेश्चन स्पेशली डिजाइन होते हैं, इसके बाद हम आने वाले हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पे, पहले हम ये बेसिक सब कंप्लीट कर ले, पहले आपको सिंपल
जो मैथ्स की बेसिक चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम अपने चैनल पे, उसके बाद हम ट्रिक वाले क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि ट्रिक तभी कामयाब होगी जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। क्लियर? चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही जैसा आपने पहले किया है कि आप इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को आप ए मान लीजिए। ये जो आपके पास न्यूमिरेटर में पूरा एक्सप्रेशन है लेट इट बी ए, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है लेट इट बी बी। तो एक्सप्रेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ये आपका ए हो गया, मतलब ए अपॉन बी आपके पास, अब आपका ये फ्रैक्शन बन गया। अब ए का ये पूरा वैल्यू पहले अलग से सोल्व कर लो, फिर बी का पूरा वैल्यू अलग से सोल्व कर लो, फिर ए और बी का वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। क्लियर? चलिए सोल्व करते हैं। ए इज इक्वल टू आपके पास है 1/2 ऑफ 2/3 माइनस 1/4। क्लियर? अब वी बोर्ड मास या बोर्ड मास आपका क्या कहता है कि पहले मल्टीप्लाई और फिर माइनस, तो क्या हो जाएगा, ऑफ पहले होगा तो ऑफ में क्रॉस में कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, 1/3 माइनस 1/4। तो अब इसका अगर आप एलसीएम लें तो आपके पास 12 डिवाइड बाय 3 4 जा 12 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा, 3 आएगा आपके पास। तो यहां पे 3 इंटू 1 करेंगे 3 आएगा, यानी a का वैल्यू आपके पास दोस्तों आ गया 1/12। तो a का ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए पहले b का वैल्यू और निकाल लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं b का वैल्यू। अब b इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 2/3 डिवाइडेड बाय 5/6 माइनस 1/2। अब दोस्तों आप डिवीजन को कैसे सोल्व करते हैं, डिवीजन के साइन को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और डिवीजन के बाद का जो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, फिर हम मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं। 2/3 इंटू आपके पास हो गया 6/5 माइनस 1/2। क्लियर? डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 5/6 जो था 6/5 बन गया। अब यहां पे 3 बन जा 3 2 जा 6 हो गया। अब ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू हो गया 4/5 माइनस 1/2। 4/5 माइनस b का वैल्यू हम यहां लिखते हैं, b इज इक्वल टू मुझे मिलेगा दोस्तों 4/5 माइनस 1/2। ठीक है, एलसीएम लीजिए, सोल्व करिए फटाफट। तो क्या होगा, 10 डिवाइड बाय 5 क्या होगा, 2, 4 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 2 5 जा 1 इंटू 5 5 ओनली। So, क्या बन गया आपके पास, इट इज कमिंग 3/10। सो बी क्या रहा आपके पास, 3/10। सो ए का वैल्यू आपके पास है, देखिए दिस इज बी, ये बी का वैल्यू है और ये ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है मेरे पास 1/12 और बी का वैल्यू है मेरे पास 3/10। सो अब क्या होगा, 1/12 नीचे का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बिलो द फ्रैक्शन की कहानी है ये, तो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला फ्रैक्शन जब ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में तो वो रेसिप्रोकल हो गया आएगा, ध्यान रखना। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको डिटेल से भी समझाया था, तो डिवाइड बाय 10/3 आ गया, कैंसिल कर दीजिए 2/6 जा 2/5 जा, तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 5/18 आंसर रहेगा, 5/18 ये करेक्ट आंसर, मीन 5/18 यहां पे कुछ नहीं है, तो आपका आंसर हो गया नन ऑफ। क्लियर? सो कैसे आप देखिए इस तरह से, अगर फ्रैक्शंस के साथ इस तरह, अगर न्यूमिरेटर में अलग से एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में अलग से एक्सप्रेशन है, तो दोनों एक्सप्रेशन को पहले अलग से सोल्व कर लीजिए। पहले मैंने ऊपर वाले एक्सप्रेशन को सोल्व किया, ये वैल्यू मिला, फिर मैंने नीचे वाले पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व किया तो मुझे ये वाला वैल्यू मिला, फिर दिस डिवाइड बाय दिस है तो मैंने वही किया, इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इस बार एक्सप्रेशन के नीचे एक्सप्रेशन के साथ विन कलम भी आ गया है, यानी कि आपके ऑपरेशंस को सोल्व करने की प्रेसिडेंस आपकी चेंज हो गई है। देखिएगा, यहां हम डिवीजन सोल्व पहले नहीं करेंगे क्योंकि यहां विन कलम आ गया है, तो पहले ये सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे ऑफ पहले होता था, लेकिन एडिशन से पहले ऑफ होता था, लेकिन एडिशन के ऊपर विन कलम लगा हुआ है तो पहले आपको एडिशन करना। ठीक है, बस ये चेंज है क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 में। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं, वही काम करिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ए मान लेते हैं और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम बी मान लेते हैं, तो मेरा क्वेश्चन बन गया दोस्तों ए अपॉन बी। अब ए और बी को अलग से यहां पे सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा, ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है,
अब देखिए पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक स्टेप साथ में सोल्व हो जाएगा। ए का वैल्यू लिखने से पहले इसको सिंप्लीफाई भी कर लो। 2 × 2 = 4 + 1 = 5/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 × 2 = 6 + 1 = 7/3 माइनस 2 × 1 = 2 + 1 = 3/2 और यहां पे आपका है विन कलम। ठीक है, ये हो गया मेरा ए, और इसको अब सिंप्लीफाई कर दीजिए। साथ में बी मैं लिख लेता हूं, यहां पे बी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 3 × 3 + 1 = 4/3 प्लस 2 × 2 + 1 = 3/2 ऑफ 6/5, 5 × 5 + 1 = 6/5 और यहां पे आपका विन कलम है। तो दोस्तों ये हुई आपकी ए और बी की वैल्यू। मैंने अभी क्या किया है, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लिख लिया और अब मैं एक्सप्रेशन को सोल्व करने जा रहा हूं। देखिए अब सबसे पहले विन कलम सोल्व होगा, तो पहले यहां पे माइनस करेंगे आप 5/2 डिवाइडेड बाय एलसीएम आया 2 और 3 का 6, 6 डिवाइड किया 3 से क्या होगा 2 होगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14 होगा माइनस, क्लियर, 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, 3 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, 5/2 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 9 5/6 होगा। अब डिवीजन कैसे सोल्व करते हैं आप, कि डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करो और फ्रैक्शन उसके बाद का जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करो, तो क्या रहेगा 5/2 × 6/5, क्लियर। देखिए नाउ 5 × 5 कैंसिल, 1 × 2 = 2 × 3 जा, सो वैल्यू आ गया आपके पास 3, ठीक है, ए का वैल्यू आपके पास आ गया दोस्तों कितना 3 बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू क्या होगा। अब बी को सोल्व करते हैं, सबसे पहले आपको यहां पे विन कलम सोल्व होगा तो ये वाला दोनों ब्रैकेट यानी कि एडिशन पहले होगा फिर ऑफ सोल्व होगा, क्लियर। देखिए एलसीएम क्या रहेगा मेरे पास, 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 डिवाइड बाय 3 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा प्लस 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा और ऑफ 6/5। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि विन कलम को सोल्व करना है तो इसको ब्रैकेट में डाल लिया करो, आपको पता है ये वाला पहले ऑपरेशन होगा तो ब्रैकेट लगा लो फिर ब्रैकेट में उसको सोल्व कर लो, ठीक है ना, जैसे आपको ठीक लगे। 9 + 8 = 17/6 ऑफ 6/5, क्लियर, ये क्या हुआ 9 + 8 = 17/6 हुआ, ऑफ 6/5 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, तो इसका मतलब 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ये रहा 17/5, क्लियर। बी का वैल्यू आपका कितना रहा 17/5। अब नीचे वाला फ्रैक्शन जब ऊपर आएगा, ये मेरे पास हुआ एक होल नंबर के नीचे फ्रैक्शन, यहां पे फिर से कंफ्यूजन वाली कहानी थोड़ी बन जाती है दोस्तों, तो लेकिन ध्यान से करना है, 3/17/5 है तो ये 17/5 ऊपर आएगा तो ये 3 × 5/17 आपके पास आएगा, ध्यान रखना जरा, ठीक है ना। कभी आप ये करोगे यानी कि सिंपल सी बात है कि 5 को पलट के ऊपर ले आओ बस, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 3 = 15/17 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों एक्सप्रेशन है, अगर विन कलम कहीं पे हो ध्यान रखना है, पहले आपका विन कलम, वी बोर्ड मास कहता है विन कलम की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, पहले विन कलम सोल्व होगा, ठीक है ना। सो देखिएगा विन कलम सोल्व होने के बाद आपका ये आंसर मिलता है 15/17, तो यानी कि सी दोस्तों हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, इस बार सिंपल एक एक्सप्रेशन है, और लेकिन यहाँ पे आपके पास वी विन कलम को कॉल किया गया, ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर विन कलम है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जब आप देखेंगे तो पहले डिवीजन सोल्व होना चाहिए था, लेकिन अगर विन कलम आ गया है तो पहले विन कलम सोल्व होगा, ठीक है, ये बस यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, देखिएगा। चलिए सोल्यूशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7 × 7 + 2 = 9/7 डिवाइडेड बाय 3 × 2 = 6 + 1 = 7/2 ऑफ 7 × 2 = 14 + 1 = 15/7 क्लियर डिवाइडेड बाय
थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन बाय थ्री माइनस टू वन जा टू प्लस वन थ्री बाय टू और ये आपका यहाँ पे विन कलम। ठीक है, पहले स्टेप में मैंने सभी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए अब आपके पास है नाइन अपॉन सेवन डिवाइडेड बाय, बाकी सब एज इट इज लिखिए। ठीक है, सिर्फ हम पहले विन कलम को सोल्व करेंगे। 15 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय, पहले यहां पे आप एलसीएम लेंगे, सबसे पहले आपका विन कलम सोल्व होगा, तो यहां एलसीएम लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम आपके पास 6 आने वाला है, 6 डिवाइड बाय 3 2 होगा, 7 इंटू 2 दैट इज 14 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 3 होगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास 9 होगा। क्लियर, 9 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 7 बाय 2 ऑफ 15 बाय 7। अब देखिए यहां पे हम एक स्टेप में दो काम करते हैं, 14 माइनस 9 क्या होगा 5, 5 अपॉन 6 आ रहा है। डिवीजन को कैसे सोल्व करते हैं आप, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब 5 अपॉन 6 रेसिप्रोकल होगा तो 6 अपॉन 5 बनने वाला है और ये आपका विन कलम यहां पे फिनिश हो गया। विन कलम का काम था इसको सोल्व करना, कर दिया मैंने। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 9 अपॉन 7 मल्टी डिवाइड बाय 7 बाय 2 ऑफ कितना आ रहा है 6 3 जा 18 बाय 7 इंटू 1 7 और स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर दीजिए। 6 3 जा 18, 7 इंटू 1 7 18 बाय 7 आ गया। अब यहां पे क्रॉस में कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा और ये कैंसिल हो गया 7 से और 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा दोस्तों, 9 इंटू 1 9 बाय 1 इंटू 1 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहां करते हैं, 9 बाय 7 9 बाय 7 डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है 9 अपॉन 1। क्लियर, देखिए कितना सुपर क्यूट आंसर मेरे पास यहां पे, 9 अपॉन 7 इंटू डिवाइड के साइन को फिर से वही करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करो और फ्रैक्शन नेक्स्ट फ्रैक्शन जो होगा वो रेसिप्रोकल, इट विल बिकम 1 बाय 9, 9 से 9 कैंसिल करो, 9 1 जा 1 इंटू 1 1 और 7 इंटू 1 7, 1 अपॉन 7 इज योर करेक्ट आंसर। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन का कितना प्यारा सा आंसर आ गया है सिंप्लीफाई करके। तो दोस्तों ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करें, राइट साइड से क्या होगा, जैसे ही ब्रैकेट के अंदर आप एंटर करेंगे तो देखिए सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन लगेगा। अगर विन कलम नहीं है तो ऑफ या डिवीजन सबसे पहले होगा ब्रैकेट के अंदर, अगर विन कलम है तो विन कलम सबसे पहले सोल्व होगा। ठीक है ना, तो इसको सोल्व किया और फिर यहां से हम रिड्यूस करते आए, उसके बाद यहां पहुंचेंगे तो डिवीजन को सोल्व किया और आपके पास आंसर रहा 1/7। ठीक है, देखिएगा दोस्तों कैसे लगे आपके ये वीडियो और बताइएगा मुझे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस मैंने दो वीडियोस आपको दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक से क्वेश्चन निकाल के। अगर इसके फिर भी इसके बाद भी कुछ आपको लगता है, कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके टाइप के क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।